नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रामेलन और मैं आपका SPL हेल्थ चैनल में स्वागत करता हूँ। मार्च 2020 में, जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस नामक बीमारी बहुत तेजी से चल रही है। इसका कोरोना वायरस जो वायरस है वो बहुत हानिकारक है, जो हमारे ज्ञानेंद्रियों द्वारा जैसे आँख कान नाक मुंह और त्वचा के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह एक दूसरे के संपर्क में आने से ज़्यादा फैलता है। इसके लिए हम जब भी कहीं जाते हैं तो मास्क लगा के जाते हैं या रबर ग्लोव्स अपने हाथों में पहनते हैं, जिससे हम अपने आप को इसके संपर्क में आने से बचा सकते हैं। तो मैंने बहुत से लोगों को देखा कि मास्क कहीं आड़ा टेढ़ा या कैसा भी करके पहन लेते हैं, जो कि इसका एक सही तरीका नहीं है। मैं आपको बता दूं, मास्क पहनने का एक सही तरीका है कि आप ऐसे करके ऐसे पहनिए, ठीक है, ताकि आपकी जो नाक और मुंह अच्छी तरीके से बंद रहे। इससे होता क्या है कि जब भी हम सांस लेते हैं तो वो सांस की जो हवा है वो फिल्टर होकर के हमारे अंदर चली जाती है, और जो भी हानिकारक वायरस है वो इस मास्क के बाहरी सतह पे चिपक जाता है। यही इसका मतलब है। और हाथों में ग्लोव्स भी पहने, क्योंकि जब भी आप मार्केट जाते हैं या कोई सामान खरीदने जाते हैं तो फिर आप ग्लोव्स पहनिए। इससे क्या होता है कि जो भी हानिकारक वायरस होते हैं जो दूसरे आदमी के संपर्क में आने से उस पे लग जाते हैं, तो जब आप ग्लोव्स पहने रहेंगे तो सीधा संपर्क आपकी बॉडी से नहीं हो पाएगा उसका। और जब भी वो चीज़ लाएं तो उसको कम से कम 3 घंटे से लेकर 9 घंटे तक ऐसे ही रहने दें, दूर रख दें। और अपना जो मास्क आप पहने हुए हैं या ग्लोव्स हैं उसको निकाल करके किसी ऐसे जगह पर रखें कि कोई छोटा बच्चा या अदर आदमी वहाँ तक ना जाने पाए। यही इसकी एक अच्छे उपयोग की बात है। बहुत से लोगों में मैंने ये देखा कि वो रुमाल को अपने मुंह में बांधते हैं। रुमाल में बांधने का तरीका क्या है कि आप रुमाल को थोड़ा फोल्ड करके इस तरह करके आप ऐसे बांध लेते हैं, ठीक है, लेकिन बांधने के बाद आप उसको खोलते हैं और अपने हाथ भी इस तरह से करके पोंछ लेते हैं, और पोंछने के बाद उसको पॉकेट में डाल लेते हैं। फिर इसके बाद थोड़ी देर बाद फिर से आप उसी रुमाल को अपने मुंह पे बांध लेते हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए, जब आप ऐसे बांधते हैं तो उसकी बाहरी सतह पर जो कोरोना वायरस जैसे हानिकारक वायरस हैं वो बाहरी सतह पर चिपक जाते हैं, और जैसे ही चिपक जाते हैं और जब हम उसमें हाथ पहुँचते हैं तो वो वायरस हमारे हाथों में चिपक जाते हैं। और फिर जैसे हम कोई चीज़ खाते हैं या हमारा हाथ मुंह के संपर्क में जाता है तो वह हानिकारक जो वायरस है वो हमारे मुंह के जरिए शरीर के अंदर चला जाता है और हमें बहुत सी तरीके के नुकसान पहुंचाने चालू कर देता है। तो दोस्तों, मेरा कहना है आपसे कि जब भी आप अपने मुंह से रुमाल खोलें तो उसको मोड़ करके अपने हाथों से जेब में ना डालें, उसको फोल्ड करके हाथों में लिए रहें, और घर पे जाकर किसी गर्म पानी लें थोड़ा बर्तन में और उसमें ऐसे करके भिगो दें। इससे क्या होता है, जो हानिकारक वायरस है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है, चल जाता है। और फिर उसको आप अच्छी तरह साबुन से धोइए, अपने हाथों को धोइए और सुखाइए उसे। फिर लगभग रीयूज के लिए आप 3 घंटा से लेकर 9 घंटे बाद आप उसको रीयूज के लिए ले सकते हैं। अन्यथा यदि पतला कपड़ा है या रीयूज के लायक नहीं है
तो बेहतर होगा कि आप उसको फेंक दें। इसके बाद ग्लोव्स भी आप पहन करके अपनी आवश्यक वस्तुओं खरीदने के लिए जाएं, और हो सके तो अपना पॉली बैग या झोला साथ में खुद का लेके जाएं, ताकि जिससे भी आप सामान ले रहे हैं तो उसके हाथ का और आपके हाथ का सीधा संपर्क ना होने पाए। आप दूर से ही उसके आगे झोला कर दीजिए और बोलिए कि आप इसमें सामान ये डाल दीजिए। जैसे ही आप वो डाल देता है तो आप उस झोले को पकड़ करके अपने घर आ जाइए, और हो सके तो उसको तुरंत उपयोग मत कीजिए। दोस्तों, जब हम मास्क को पहनते हैं ऐसे करके, तो देखिए थोड़ा देर बाद क्या करते हैं, जैसे ही थोड़ा सुनसान माहौल हुआ या कुछ हुआ, कि उसको ऐसे करके नीचे कर लेते हैं, ऐसे ऐसे कर लेते हैं। तो ऐसे करने से भी देखिए बहुत हानि होती है, ऐसा ना करना चाहिए। या तो आप सीधे निकाल दीजिए, या तो फिर पूरा पहनिए, क्योंकि ऐसा करने से क्या है, ये जो बाहरी सतह है वो मुड़ करके हमारे यहाँ गर्दन के पास सीधे हमारी बॉडी से टच हो जाती है, जिसके कारण जब ये चीज सीधे टच हो जाती है यहाँ पर, तो सीधा संपर्क हमारे गला और जो बाहरी सतह में जो वायरस चिपका है उसका संपर्क सीधा हो जाता है, जिसके कारण जो हानिकारक वायरस है उसको अंदर जाने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, ऐसा कर कभी ना करें। जब भी आप मास्क पहने तो या तो ऐसे सीधा पहने, और या तो फिर उसको ऐसे करके एक हाथ से, आपको दोनों हाथ नहीं लगाना है, एक हाथ से ही ऐसा करके आप निकाल दीजिए ऐसा। और फिर निकालने के बाद आप इसको किसी ऐसे जगह पर रखिए जहाँ पर छोटे बच्चे या कोई अन्य आदमी आपके अलावा ना जा सके और इसको छू ना सके, क्योंकि उसके छूने से ही ये ऐसे हानिकारक वायरस फैल जाते हैं। तो दोस्तों, अपनी सावधानी ही अपना बचाव है, अपना बचाव कीजिए, सुरक्षित रहिए, और जो सरकार द्वारा नियम बताए जा रहे हैं उनको कीजिए। अपने हाथों को अच्छी तरीके से धोइए साबुन से, और ग्लोव्स भी पहनिए। जब भी कहीं आप दूसरी जगह से सामान लाएं तो ग्लोव्स पहन करके जाएं और फिर सामान को लेकर आएं, और 3 घंटे से लगभग 9 घंटे तक आप उस सामान को रख दीजिए और फिर उसके बाद यूज कीजिए, जिससे होता क्या है कि उनके अंदर की जो हानिकारक वायरस हैं वो नष्ट हो जाते हैं और वो एकदम सुरक्षित चीज़ हो जाती है। फिर आप उसको खूब यूज कर सकते हैं, वो फिर आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। इस तरीके से दोस्तों, आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, और ग्लोव्स या मास्क का प्रयोग करके अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।